आज के दौर में सबसे आसान जरिया जो अपनी मॉरल सेंसेस को लूज़ करने का है ना वो म्यूज़िक को सुनना है ये भी कहा जाता है कि जो म्यूज़िक है ना वो ऑडियो पोर्नोग्राफी है आज के दौर में ये एक्सप्लिसिट है ये शेमलेस है वर्गर है ये आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी है ना ये उसको दूर कर देती है आपसे और जब आप उनको सुनते हैं तो आप औरतों को कोई औरत नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट समझते हैं बल्कि उससे भी ज़्यादा बदतर जानवरों से भी बदतर आप गानों में देखते हैं कि लोग औरतों के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो कोई जानवर से भी बदतर चीज़ है और ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि जितने भी ब्रदर्स हैं जो मुसलमान हैं जो वाकई हिप हॉप वगैरह सुनते हैं और म्यूज़िक में इंटू हैं और वो एक तरह से गानों को हज़ कर रहे होते हैं उनके लिरिक्स को याद रख रहे आ, कर रहे होते हैं पर अगर आप आग उनके वो लिरिक्स लिरिकने जो उन्होंने याद किए होते हैं वो इतने बदतर बदतरीन होते हैं इतने गलीज होते हैं और पता है इसका जो सिंपल आंसर मैं दे सकता हूँ ये है कि अगर आपका कोई भी अगर आप अल्लाह तैयार की किताब को कुछ समझते हैं ना अगर आप वाकई समझते हैं अल्लाह तला की तरफ से बेसलिसम बिसलीसमसुकबाद हती के नाम उस चीज़ का मैंशन किसी चीज़ का बुरा नाम भी जो है ना वो बहुत ही बुरा है जब आपके अंदर ईमान आ जाए कुल इबादी कुल्लेबादी ही अहसन मेरे बंदों को कह दो कि वो कहें जो सबसे बेहतरीन है सो ये पहली बात थी सो जब आप बुरे अल्फाज अपने मुंह से निकाल रहे होते हैं वो बातें जो आपके एग्जैक्टली फितरत के ख़िलाफ़ होती हैं तो ये हकीकी बात है कि आप जो अपनी नेचुरल फितरा है ना उससे डिवेट कर रहे हैं उससे दूर जा रहे हैं और जब आप लगातार इस तरह की चीज़ें सुन रहे होते हैं तो आप भटक जाते हैं तो आपको सिर्फ़ जो प्लेजर है ना वो अल्लाह ताला की नाफरमानी में मिलता है और ये एक बीमार दिल की निशानी है सो तो इंसान को चाहिए कि ऐसे दूरी रहे और एक और बात यह मेरा एक पर्सनल है आप इस पर यकीन करें या ना करें कि किस इंसान को कुरान जीत जो है वो, उसको सुनना पसंद नहीं है उसको बुरा लगता है जब कुरान जीत कहीं पर लगा लगा दिया जाए यानी वो बड़े अरसे से गाने सुन रहे हैं म्यूज़िक सुन रहे हैं हिप हॉप सुन रहे हैं और जैसे गाड़ी में कुरान की तिलावत है तो एकदम फ़ौरन से वो कहते हैं नहीं यार बंद करो है फ़ौरन से वो ना अनॉये हो जाते हैं जैसे कुरान सुने तो इसका मतलब यह है कि जो शैतान है ना उन्होंने उस पर कंट्रोल कर लिया है और लगातार शैतान उस पर वसूसे कर रहे हैं क्योंकि शैतान को सब ज्यादा नफरत किससे है कुरान जीत से, से। जबकि उस इंसान ने शैतान को अपने दिल में जगह दे दी है ना तो शैतान उसको बार बार कहता है कि नहीं नहीं इसको बंद करो इसको ना सुनो तो सबसे पहली चीज़ जो है आपने करनी हो ये कि जो फ्यूल आप दे रहे हैं शैतान को इससे खुद को दूर करें बंद करें इसको और ये आपके वक्त का ज़्यादा है शैतान को बहुत पसंद है कि आप अपना वक्त जो है वो ज़ाया करें क्योंकि जो एक ऐसा जो एक असासा अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिया है ना वो है वक्त और ये म्यूज़िक और फिल्में और टी वी और फेसबुक और टिकट और जो भी ये चीज़ें अगर आप घंटों इस पर लगा रहे हैं ना इन चीज़ों पर तो ये सिवाए वक्त ज़ाया करने के अलावा और कुछ भी नहीं और ये आपका जो असासा है वो उससे आप दूर हो रहे हैं और शैतान को और और शैतान को और क्या चाहिए होगा अगर आपको वक्त ज़ाया करवा रहे हैं अल्लाह ताला आपको अवत दे के आप इन से खुद को दूर रखें और मेरी आखिरी एडवाइस यही होगी जो मैं हमेशा देता रहता हूँ कि अपने अच्छे दोस्त चुने जब आपकी सोबत अच्छी हो जाएगी जब आप अच्छे दोस्तों में होंगे ना तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आप से दूर हो जाएंगी इनशाला बिजन